गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो करंट अफेयर की ये जो क्लास है, ये क्लास में आज मैं आपको कमेंट से रिप्लाई करता रहूंगा ताकि क्लास में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पर भी क्लास चल रही है इसलिए प्रिया सहित यही था कि क्लास को मैं करा सकूँ। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। भारतीय 9:30 बजे क्लास रहती है प्रतिदिन, 9:30 बजे की क्लास रहती है प्रतिदिन। नमस्कार, सभी आ जाइए और एक बार लिंक को शेयर जरूर कर दें अपने उन सभी फ्रेंड्स में जो क्लास में अभी नहीं आए हैं। चलिए देरी ना करते हुए क्लास को फटाफट से शुरू करते हैं। भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? नाग मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल या फिर पृथ्वी मिसाइल? सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान है उससे क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनी हुई मिसाइल है जो कम दूरी की रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव, जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस अमेरिका की, कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो कोमल अग्निहोत्री, सोनम सचदेवा, शांति सेठी, कमला त्रिपाठी, बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा इसका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, शांति सेठी। तो उपराष्ट्रपति के लिए कमला हैरिस कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार, इनको नियुक्त, इनकी जो शांति सेठी है उनको नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल, सभी उत्तर करते रहें कमेंट बॉक्स में, सभी उत्तर करते रहें। और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 9:30 पर हमारी क्लास रहती है। पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर दिल्ली? सही उत्तर है इसका गुजरात। बनासकांठा गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री है। वहीं आचार्य देवव्रत कौन है, यहाँ के राज्यपाल। गठन 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ है। राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 और विधानसभा में 182 यहाँ पर सदस्य है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस भाषा की लघु फिल्म, कौन सी भाषा है जिस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने हाल ही में NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या फिर पंजाबी? तो ये पंजाब नहीं है, पंजाबी है, बताइए कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है तेलुगु। तो ये स्ट्रीट स्टूडेंट तेलुगु है जिसने ये पुरस्कार जीता है। ये NHRC क्या है? तो ये है मानव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है, जो अरुण कुमार मिश्रा जी इसके अध्यक्ष हैं। और 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका, चीन, रूस या फिर जापान? सही उत्तर है इसका अमेरिका। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी Washington DC है और जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हॉट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मेघालय? तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, त्रिपुरा। त्रिपुरा, तीन तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा, पूर्वोत्तर राज्य है ये। और इसकी राजधानी अगरतला है, माणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 2 और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, नीति आयोग
नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? तो नीति आयोग की बात हो रही है, किसकी? नीति आयोग की। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई है, नीति आयोग की, नीति आयोग की, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में। और यहां पर ये पूछा है कि आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत, कहां पर? ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना की शुरुआत की है? सही उत्तर है इसका 72,000 करोड़। कितने? 72,000 करोड़ रुपए। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना भी, राज्य गठन हुआ। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न है भारत के तट आधारित एंटी शिप, भारत के तट आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के निर्यात के लिए किस देश के साथ 374.96 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? फिलीपींस, वियतनाम, लाओस या फिर मलेशिया? सही उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 8 के लिए, बताइए? सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और रोडिंगो दुरंते यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा है यहाँ की पैसो, फिलिपिनी पैसो, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर निम्न में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर भारतीय नौसेना? प्रश्न संख्या 9, और सही उत्तर इसका है भारतीय नौसेना। सैन्य अभ्यास पश्चिम लहर, कहां पर? पश्चिम लहर, तो भारत के जो पश्चिम है वहां पर ये अभ्यास कराया जा रहा है, पश्चिम, पश्चिमी घाट पर। चलिए अगला प्रश्न है, एक सर्वे के अनुसार किस भारतीय राज्य की महिलाएं अनेमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित पाई गई हैं? तो ये कहाँ की पाई गई है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर मेघालय? सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा राज्य है? असम। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है इस समय? हेमंत बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। लोकसभा में यहाँ पर 14 है, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, किस कंपनी ने तेजी से डिजिटल भुगतान सेवा को सक्षम करने के लिए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट एक्सट्रीम 9 के साथ भागीदारी की है? सीसी, एवेन्यू, पेटीएम, फोन पे या फिर अमेजन? प्रश्न संख्या 11, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर है सी, फोन पे। फोन पे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में है। 1 दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का पहला, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पहला समुद्र तट महोत्सव ICOD 2022 का उद्घाटन किया गया, तो पुदुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बी एस येदियुरप्पा, एन रंगास्वामी, मुथुवेल, करुणानिधि स्टालिन या तमिली साई सौंदर्या राजन? बताइए कौन है? सही उत्तर है एन रंगा स्वामी सामी, एन रंगा सामी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, केंद्र सरकार ने COVID-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दी है? बताइए 180, 180, 220, 320 या फिर 110? प्रयास कीजिए, सही उत्तर कौन सा होगा इसका? प्रश्न संख्या 13, सही उत्तर है 180 दिन के लिए बढ़ा दिया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है, किस संस्थान के विषय के अनुसार बार्बीक्यूरस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये कहां पर? यूएसए में है, यूएसए अमेरिका की, ठीक है, कहां की है? अमेरिका की। इसकी स्थापना अगर देखें तो कब हुई थी? 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 10 अप्रैल 1861। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ, प्रश्न संख्या 15 को देखिए, 15 क्या कहता है, किस कंपनी ने अपने उपग्रह इंटरनेट समूह को
करने के लिए, कंपनी का नाम पूछा है, प्रोजेक्ट कुई पर के तीन फर्मों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर की है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, अल्फाबेट या फिर अमेजॉन। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर है अमेजन। अमेजन कंपनी की जो स्थापना हुई है 5 जुलाई 1994 में हुई, हेडक्वार्टर्स का यूएसए सिएटल में है, संस्थापक जेफ बेजोस है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है 16। किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई या फिर अडानी। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? किस भारतीय कंपनी ने रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? रिलायंस, टाटा स्टील, एसबीआई या फिर अडानी। प्रश्न संख्या 16 है, 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाटा स्टील। किसने? टाटा स्टील। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कौन सा बना है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राज्यसभा में यहां से 10 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें, विधानसभा में 200 सीटें, और अगर इसके गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अक्सर चर्चा में रहने वाली अल अक्सा मस्जिद कहां पर स्थित है? मक्का मदीना, यरूशलम, दुबई या फिर काहिर। सही उत्तर क्या होगा प्रश्न संख्या 18 का? यरूशलम में। तीनों ही धर्मों, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और मुस्लिम धर्म, तीनों के लिए ये जगह पवित्र है। चलिए आगे देखिए अगला, ये मस्जिद पवित्र है। चलिए अगला है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास एनसीएक्स इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सीएसआईआर, सीडीएक, नीति आयोग। सही प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना अगर हम देखें 19 नवंबर 1998 को हुई और इसके पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र थे, वहीं जो वर्तमान है वह अजीत कुमार डोभाल है। चलिए अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। कमेंट करते रहिए आप सभी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग एईसी का अध्यक्ष कौन है जिन्हें एक साल का सेवा विस्तार किया गया? संजय कुमार मिश्रा, विनीत जोशी, शेखर मांडे या कमलेश नीलकंठ व्यास। बताइए कौन सा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? सही उत्तर है कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा आयोग की अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग, ये परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी स्थापना 3 अगस्त 1948 को हुई। वही मुख्यालय इसका कहां पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 करंट अफेयर के प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।